दोस्तों, तलाक एक बहुत ही सख्त शब्द है। तलाक जिंदगी की ऐसी परिस्थिति है जिसकी कामना कोई व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति के पास तलाक लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। तलाक से विवाह विच्छेद होता है। तलाक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला तलाक वो है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़कर या कॉन्टेस्ट करके तलाक लेते हैं। दूसरा तलाक वो तलाक है जिसमें आपसी सहमति से लिया जाता है। जिस प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह होता है, तलाक भी इसी अधिनियम के तहत होता है। तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 इंसर्ट किया गया है। जब यह कानून बना था तब इसमें आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान नहीं था और यह प्रावधान बाद में जोड़ा गया था। म्यूचुअल कंसेंट से तलाक सेक्शन 13B में उपलब्ध करवाया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपसी सहमति से तलाक कैसे लिया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। सेक्शन 13B के तहत तलाक याचिका हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 28 के तहत की पेश की जाती है। इस प्रावधान के तहत याचिका पारिवारिक न्यायालय में पेश की जाती है जब पति और पत्नी का साथ रहना संभव ना हो। इस याचिका को पेश करने की कुछ शर्तें तथा नियम हैं। पहली शर्त ये है कि जिस समय तलाक की पिटीशन पेश की गई हो उस समय दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हों। एक साथ रहते हुए यह पिटीशन पेश नहीं की जा सकती है। इस याचिका को पेश करने की दूसरी शर्त यह है कि दोनों पति पत्नी एक साल से ज़्यादा समय से अलग अलग रह रहे हों। कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट को यह समय वेव ऑफ करने का पावर भी दिया गया है। तीसरी शर्त यह है कि पति और पत्नी दोनों इस बात पर सहमत हो गए हों कि वो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। यह सहमति बिना किसी दबाव और प्रभाव के होनी चाहिए, यानी कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। आपसी सहमति की डिवोर्स पिटीशन पति और पत्नी के द्वारा एक साथ पेश की जाती है। अगर दोनों में से एक भी अनुपस्थित हो तो तलाक याचिका इस प्रावधान में पेश नहीं की जा सकती है। यह तलाक लेने से पहले दोनों पति पत्नी को अपने सारे डिस्प्यूट सेटल करने होते हैं, जैसे मेंटेनेंस, एलिमोनी, बच्चों की कस्टडी एसेट्रा एसेट्रा। आपसी सहमति की डिवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट यानी कि पारिवारिक न्यायालय में पेश की जाती है। यहाँ फैमिली कोर्ट ना हो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन सी जगह ये पिटीशन पेश की जानी चाहिए। तो पहला स्थान वो है जहाँ विवाह हुआ, दूसरा स्थान वो है जहाँ आखिरी बार दोनों पति पत्नी के रूप में रहे हों, तथा याचिका उस स्थान पर भी पेश की जा सकती है जहां पति या पत्नी में से दोनों एक पिटीशन पेश करते वक्त रह रहे हों। फैमिली कोर्ट का पहला दायित्व यह होता है कि वो कैसे न कैसे विवाह को टूटने से बचाने का प्रयास करे और दोनों के बीच समझाइश की कोशिश की जाती है ताकि दोनों साथ रहने लग जाएं। अगर फिर भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती है तो फैमिली कोर्ट तलाक की कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। इस कड़ी में एक और प्रयास पारिवारिक न्यायालय के द्वारा किया जाता है और इसलिए पहली तारीख 6 महीने की दी जाती है ताकि दोनों पति पत्नी इस पर पुनर्विचार कर सके और इन 6 महीनों के समय में अगर एक भी पक्ष याचिका वापस लेना चाहे तो वह वापस ले सकता है। पारिवारिक न्यायालय के द्वारा म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को मैक्सिमम 18 महीनों के अंदर तय करना आवश्यक है। इस प्रकार की याचिका में जब पहली तारीख होती है तब एक पिटीशन पेश की जाती है जो दोनों पक्षों के द्वारा साइन की जाती है और अगली तारीख पर दोनों पति पत्नी को कोर्ट में पेश होना होता है और संबंधित न्यायालय दोनों के बयान रिकॉर्ड करता है। और जब दोनों पति पत्नी तलाक की मांग न्यायालय में करते हैं तो कोर्ट तलाक की डिक्री इश्यू कर देता है। इसके बाद दोनों पक्ष पति पत्नी नहीं रहते हैं और वो अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस पूरे केस में एक पक्षीय कार्यवाही नहीं होती। कमेंट करके बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। देखते रहिए द लॉ एडवाइस। थैंक यू।